रियल वर्ल्ड के मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे हैरत अंगेज और चौंका देने वाले इंकिशाफात का जिक्र करेंगे जिससे आप वाकई सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये वायरसेस जो कि आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, क्या वाकई कुदरती आफात हैं या साइंसी लेबॉरेटरी में तैयार किए गए सियोनियो दजाली ताकतों के हथियार हैं। लिहाजा वक्त जाया किए बगैर बाकायदा वीडियो का आगाज करते हैं। लेकिन इससे पहले आप दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्किप किए बगैर शुरू से आखिर तक जरूर देखें ताकि आप तक मुकम्मल मालूमात पहुंच सके। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अक्सर मूवीज और गेम्स में ज़ॉम्बीज को प्रमोट किया गया है। ज़ॉम्बी दरअसल एक जिंदा लाश को कहा जाता है, ऐसी लाश जो दर्द से मुस्तस्ना होती है, कोई हथियार कोई असला उस पर असर नहीं करता, ये जिसको छू ले या काट ले तो ये वायरस उसके अंदर मुंतकिल हो जाता है। इस हवाले से कई फिल्मों में भी दिखाया जा चुका है, बल्कि हैरत अंगेज तौर पर कोरोना वायरस जैसे वायरस और इनसे होने वाली हलाकत खेजी पर भी हॉलीवुड में कई फिल्में बन चुकी हैं, जिनमें कोटेंजन फिल्म में दिखाए गए मनाजिर तो इस हद तक कोरोना वायरस से मुमासलत रखते हैं कि अकल दंग रह जाती है। जी हाँ, 2011 में रिलीज होने वाली हॉलीवुड की फिल्म कोटेंजन की कहानी हैरत अंगेज तौर पर कोरोना वायरस और इसकी वजह से दुनिया भर में पैदा होने वाली हंगामी और तशवीशनाक सूरतेहाल से ममासलत रखती है। हालांकि फिल्म कोटेंजन आज से 9 बरस कबल रिलीज हुई थी, लेकिन फिल्म में दिखाए जाने वाले हालातों वाकयात जहन को घुमा देते हैं और इंसानी अकल सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि 9 बरस कबल जो कुछ फिल्म में दिखाया गया आज हूबहू वैसे ही हालात पैदा हो जाए। फिल्म में दिखाया जाता है कि डॉक्टर और माहिरीन सेहत इस वायरस के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये वायरस जिसे फिल्म में MEV1 का नाम दिया गया है आया कहां से है और इंसानों में कैसे मुंतकिल हुआ, जिसने चंद ही दिनों में पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। इस फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि शायद ये वायरस एक बायोकेमिकल हथियार है जिसे दहशतगर्दों की एक तंजीम ने जानबूझकर दुनिया भर में फैलाया है। प्यारे दोस्तों, सिर्फ कोटेंजन ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में और भी फिल्में हैं जो जानलेवा वायरस या आलमी वबा जैसे मौजू पर बनाई गई है। जैसे 1995 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन फिल्म 12 मैकीज भी एक वबा के मौजू पर मबनी फिल्म है। इस फिल्म में 2035 का दौर दिखाया गया है। फिल्म की कहानी जानलेवा वायरस के गिर्द घूमती है जिसने दुनिया भर में तबाही फैला दी है। बहुत सारे लोग इस वायरस के हाथों अपनी जिंदगियां गंवा चुके हैं और जो लोग बच गए हैं वो जिंदा रहने के लिए जमीन के नीचे पनाह लेने पर मजबूर हैं। इस फिल्म में टाइम ट्रैवल के जरिए साइंसदान ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वायरस फैला कैसे। नाज़रीन ग्रामी, 1995 में ही रिलीज हुई एक और फिल्म आउटब्रेक एक मेडिकल डिजास्टर फिल्म है। फिल्म में दिखाया गया है कि अफ्रीका में एबोला वायरस जैसा मोटाबा नामी वायरस फूट पड़ता है। इस वायरस की वजह से मुतअद्दिद लोग जान से हाथ धो बैठते हैं। इसके अलावा हॉलीवुड में ज़ॉम्बी के मौजू पर कई फिल्में बनी हैं। ये ज़ॉम्बीज़ दरअसल एक खास किस्म का वायरस होता है जो इंसानों में मुंतकिल होकर उन्हें हैवानों में तब्दील कर देता है और बहुत तेजी से फैलता है। बल्कि हॉलीवुड की एक फिल्म वर्ल्ड वार जी में दिखाया गया है कि इस पुरेसार वायरस की वजह से लोगों को घरों में रहने और राशन जमा करने की ताकीद की जाती है, जबकि शहर के शहर इस वायरस के फैलने की वजह से उजड़ जाते हैं। 2007 में रिलीज होने वाली आई एम लेजेंड नामी फिल्म की कहानी भी एक खतरनाक वायरस के गिर्द घूमती है। फिल्म में दिखाया गया है कि वायरस के फैलने की वजह से दुनिया की 90% आबादी खत्म हो चुकी है और 8.9% लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं, जिन्हें फिल्म में डार्क सीकर्स कहा गया है, यानी ये लोग सिर्फ रात के अंधेरे में शिकार करने के लिए बाहर निकलते हैं और दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी बचा है जिसका नाम डॉक्टर रॉबर्ट है। फिल्म में ये जानलेवा वायरस कैंसर के इलाज की दवा के साइड इफेक्ट के तौर पर सामने आता है और देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेता है। इस वायरस के खतरे के पेश नजर वाहिद बच जाने वाले डॉक्टर रॉबर्ट खुद को करंटीना कर लेते हैं ताकि वायरस से मुतासरा अफराद के राबते में ना आए। इसके साथ ही वो इस वायरस का इलाज भी ढूंढने में मसरूफ होते हैं। लिहाजा अंदाजा लगाइए कि किस तरह से इंसानों की ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। कोरोना वायरस तो महज एक ट्रेलर था जिसे इंसानों को मेकअप माइंड कर दिया गया है। असल फिल्म तो अभी रिलीज होना बाकी है। अब जल्द ही फिल्मों में दिखाए जाने वाले किरदार ज़ॉम्बीज भी आपको हकीकी दुनिया पर अप्लाई होते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, एक ऐसे ही वायरस की निशानदेही की गई है जो इंसान को चिड़चिड़ा कर देता है और इंसानी जिस्म ऐसा रूप इख्तियार कर लेता है कि इसे ना तो किसी जख्म का एहसास होता है और ना किसी चीज की फिक्र होती है,
चाहे आप उसका हाथ ही क्यों ना काट दें। बल्कि इस बीमारी के दौरान इसका दिल गोश्त खाने को तरजीह देता है और अपनी इस भूख को मिटाने के लिए ना तो वो किसी जानवर को छोड़ता है और ना ही इंसान को। लिहाजा नाज़रीन जरा गौर करें तो ये वही अलामात हैं जो हमें फिल्मों के जरिए ज़ॉम्बीज़ में दिखाई गई हैं। दरअसल ये सेहूनी ताकतों की साजिशें हैं जिन्हें कबल अज़ वक्त प्लान करके मीडिया के जरिए लोगों के जहनों में उतारा जा रहा है। वैसे इनकी प्लानिंग्स कमाल की हैं। 20 से 25 साल कबल मीडिया का सहारा लेकर ज़हनी तौर पर तैयार किया जाता है कि मुस्तकबिल करीब में ऐसे वाकयात जन्म लेंगे और फिर हूबहू अपनी उस प्लानिंग को सारी दुनिया पर अप्लाई कर दिया जाता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब जल्दी ज़ॉम्बी वायरस को भी इस दुनिया पर अप्लाई किया जाना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोरोना वायरस को फिल्माया गया और फिर इसके बाद दुनिया पर अप्लाई किया गया। ज़ॉम्बी वायरस के लिए वार्निंग जारी कर दी गई है। ये कैसा फितना है इसको समझने के लिए हम अहादीस मुबारका का जिक्र करते चलते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कब्र के पास गुजरने वाला ये न कहेगा कि ऐ काश इसकी जगह मैं होता। इसका मतलब यह है कि मरने वाला अच्छी हालत में मर गया, काश कि मैं भी इसी की तरह अच्छी हालत में मरता। आजकल आपके सामने है कि कोरोना वायरस से मरने वाले को ना तो गुस्ल दिया जाता है और ना ही कफन। सारी दुनिया एक जानिब और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसे मुबारका एक जानिब। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से पनाह मांगो जहन्नुम के अजाब से, अल्लाह से पनाह मांगो कब्र के अजाब से, अल्लाह से पनाह मांगो मसीह दज्जाल के फितने से और अल्लाह से पनाह मांगो जिंदगी और मौत के फितने से। नाज़रीन ग्रामी, उम्मत मुस्लिमा जिन मसायब व मुश्किलात का शिकार है वो किसी दीदावर से पोशीदा नहीं। हर दिन अपने जुलू में नित नए फितने लिए जलवागर हो रहा है और हर रात अपने साथ आजमाइशों की नई जुल्मत लिए चली आ रही है। जिस तरह तस्बीह का धागा टूट जाने पर एक के बाद एक दाने गिरने लगते हैं, इसी तरह नए नए फितने एक के बाद एक इस उम्मत में पैदा होते जा रहे हैं। नबी सादिक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 बरस पहले इन हादसातों वाकयात की निशानदेही कर दी थी। सही मुस्लिम शरीफ में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जल्द अज जल्द अमाले सालिया इख्तियार कर लो उन फितनों के आने से पहले जो अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह यके बाद दीगरे आएंगे। हाल ये होगा कि आदमी इस हाल में सुबह करेगा कि वो सुबह ईमान वाला होगा और शाम उस हाल में करेगा कि वो ईमान से महरूम हो चुका होगा। दुनिया की हकीर मता के इवज वो अपना दीनों ईमान बेच डालेगा। ये फितने गुमराह तहरीकों और दावतों की शक्ल में भी नमूदार हो सकते हैं और मालो दौलत और इक्तदार की हवस और दूसरी नफसानी ख्वाहिशात की शक्ल में भी इनका जहूर होता रहता है। अगर इंसान को शरीयत पर इस्तकामत की नेमत हासिल ना हो तो इन फितनों से अपने ईमान को महफूज रखना बहुत दुश्वार है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबर और इस्तकामत के साथ दीन पर कायम रहने वाला बंदा उस आदमी की मानिंद है जो हाथ में जलता हुआ अंगारा थाम ले। इन फितनों की अहादीस मुबारका में मुख्तलिफ सूरतें जिक्र की गई हैं। मसलन वक्त जल्दी जल्दी गुजरने लगेगा, नेक आमाल की कमी हो जाएगी, दीन से नावाकफियत फैल जाएगी और दीन का इल्म उठ जाएगा, बुखल और पैसे की मोहब्बत आम होगी, कत्लो गारतगरी का दौर दौरा होगा, खुद कातिल को मालूम न होगा कि वो क्यों कत्ल कर रहा है और न मकतूल को पता होगा कि उसे क्यों कत्ल किया गया। शराब को शरबत, सूद को तिजारत और रिश्वत को हदिया कहकर हलाल किया जाएगा। औलाद से कराहत होगी, बारिश से ठंडक की बजाय गर्मी की सी तकलीफ होगी, बदकार सैलाब की तरह फैल जाएंगे, हर कबीले और ग्रोह की सरबराही उसके मुनाफिकों के हाथ में होगी, हर बाजार की सरबराही उसके बदकारों के हाथ में होगी, लोग नमाजों को जाया करेंगे और अमानतें बर्बाद होगी, इंसाफ कमजोर हो जाएगा और जुल्म का दौर दौरा होगा, अमन कम हो जाएगा, तलाकों की कसरत हो जाएगी, नागहानी अमवात बढ़ जाएगी, अदालती फैसलों की खरीदो फरोख्त होगी, आखिर जमाने के लोग अपनी उम्मत के पहले लोगों पर लानतान करेंगे, यहूदियों और नसरानियों की पूरी पूरी नकाली की जाएगी, मामूली ना अहल आदमी जमहूर के अहम मामलात में रायजनी करेंगे। प्यारे दोस्तों, ये चंद मिसालें हैं उन पेशगी खबरों की जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के दौर के बारे में 1400 साल पहले बयान फरमाई। जब हम हालात आलम के तनाजुर में इन अहादीस मुबारका पर गौर करते हैं तो अंदाजा होता है कि ये अहादीस मौजूदा हालात की मुकम्मल आईनादार है।
नाज़रीन ग्रामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ फितनों के जमाने के हालात की पेश की खबर दी, वहाँ मुख्तलिफ किस्म के फितनों के बुरे असरात से बचने के लिए वो बुनियादी नुकात भी बयान फरमा दिए कि अगर कोई शख्स इनकी पाबंदी कर ले तो कम अज कम वो अपने आप को इन बुरे असरात से बचा सकता है। अगर इन पर अमल करने वालों की तादाद रफ्ता रफ्ता बढ़ती जाए तो यही उन फितनों का इज्तिमाई इलाज भी साबित हो सकते हैं। चुनाचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम इस वक्त ऐसे जमाने में हो कि जो कोई इस जमाने में अहकाम इलाही के बड़े हिस्से पर अमल करे लेकिन सिर्फ दसवें हिस्से पर अमल तर्क कर दे तो वो हलाक हो जाएगा, और बाद में एक जमाना ऐसा भी आएगा कि जो कोई उस जमाने में अहकाम इलाही के सिर्फ दसवें हिस्से पर अमल कर ले तो वो निजात का मुस्तहिक होगा। अगर कभी मुसलमानों में बाम खाना जंगी का फितना खड़ा हो तो इन संगीन हालात से नबूर आजमा होने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में वाज़े हिदायत मौजूद है। हदीस के रावी कहते हैं कि मैंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं वो जमाना पाऊं तो मेरे लिए आपका क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों की अक्सरियत और उनके सरबरा के साथ वाबस्ता रहना। मैंने अर्ज किया कि अगर मुसलमानों की ना कोई अक्सरियती जमात हो ना इमाम यानी बरहक सरबरा तो फिर मैं क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे में उन तमाम फिरकों पार्टियों ग्रोहों से मुकम्मल अलैहदगी इख्तियार कर लेना। जब फितनों का जहूर कसरत से होने लगे तो इनसे बचाव के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अन करीब फितने पैदा होंगे, इन फितनों में बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा और खड़ा होने वाला चलने वाले से बेहतर होगा और चलने वाला सही करने वाले यानी किसी सवारी के जरिया या पैदल दौड़ने वाले और जल्दी चलने वाले से बेहतर होगा, और जो शख्स फितनों की तरफ झांकेगा फितना उसको अपनी तरफ खींच लेगा। बस जो शख्स इन फितनों से निजात की कोई जगह या पनाहगाह पाए तो उस शख्स को चाहिए कि इसके जरिए पनाह हासिल करे। बैसियत मुसलमान हमें रब्बुल इज्जत से दुआ करनी चाहिए कि हमें शैतानी दजाली और सयूनी ताकतों की साजिशों से महफूज रखे और ईमान की जिंदगी और ईमान की मौत नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने आपके सोचने समझने की सलाहियत को बदल दिया होगा। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगेबान।